उठो माहा, शादी है तुम्हारी आज। यार अम्मी, माहा की शादी, अब मेरे सर पे क्यों खड़े होकर चीख रही हैं? तुम्हें भी तो उठना है। अम्मी सोने देना, शादी कल कर लेंगे। क्या फजूल बातें कर रही हो, शादी कल कर लेंगे? और ये घोड़े गधे बेचकर क्यों सो रही हो तुम तीनों? अम्मी प्लीज, गधे का नाम मत लिया करे। अच्छा उठो, 10 बज चुके हैं। अम्मी 9 बज रहे, आपका हमेशा 1 घंटा आगे होता है। मेरी चप्पल भी सबसे आगे होती है, मारूं? ओहो तुम कहाँ जा रही हो? ओहो पूरा का पूरा घर पागल खाना बन चुका है। अम्मी से बोले छोड़ो, आज मेरी शादी, छोड़ो छोड़ो उसे। अब देखिएगा, 1 घंटे लगाए बगैर निकल लेने वाली है दुल्हनिया। अच्छा छोड़ो नेहा, तुम ऐसा करो हलीमा भाभी की तरफ चली जाओ। मैंने उनसे कहा था वो महा की ज्वेलरी का सेट है ना, वो ज्वेलर से उठा लें। अम्मी साशा को बोले ना उसको भेजे। मैं छोटी सी बच्ची को भेज दूं? गोल्ड ज्वेलरी सेट है। छोटी सी बच्ची नहीं है ये, चलता फिरता फितना है, फितना। अच्छा, और मैं भी अम्मी को बताती हूँ कि आपने कल रात को आदम भैया के फ्रेंड के मैसेजेस देखे थे उनके फोन पे। जाओ फोन भी वापस करके आओ। अम्मी अब क्या शर्ट झाड़ मुंह फाड़ हुलिया के साथ जाऊँ? मुंह तो धो लेने दे, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। मुंह तो धूंगी। नेहा जल्दी करो, फौरन जाओ। उस मनोज के चक्कर देखो, कपड़े तो चेंज करने दे। जो भी करना है तुम्हारे पास 3 मिनट हैं। क्या बोर्डिंग स्कूल में आ गए हम लोग? तो तुम्हारी वजह से हुआ है। माहा निकल जाओ यार। यार बाबा आपको कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। बताया तो था इन्होंने मुझे, मैं भूल गई थी। अम्मी ये कौन सी भूलने वाली बात है? अरे बेवकूफ लड़के, तुम्हारे वलीमे के पैसे बचा दिए मैंने, करना था मुझे। समझाओ समझाओ इस शेफ को, लगता है इसने अपना दिमाग जो है ना किसी हराम मगज के साथ भून के खा लिया है। क्या हुआ भाई? क्या होना है, बाबा ने कुतुब अंकल के साथ मिलके शादी वलीमे के दिन को 1 कर दिया है और मुझे अब बता रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरी वलीमे की साड़ी का क्या होगा? यहाँ तक चंपा लगवाया था खुशी में। आपको क्या चंपा चबेली की फिक्र पड़ी हुई है? वो जो मैंने इतने ढेर सारे कार्ड बांटे थे उनका क्या होगा? और लोकेशन मैंने जो बुक करी थी, और मैंने जो मटन कुन्ने के लिए इतना सारा गोश्त अरेंज किया था, उसका क्या होगा? अरे बुकिंग तो मैंने कैंसिल करा दी, और दोस्त अब आपको कॉल करके बता दो कि हमारे घर में आज शाम को कंबाइन फंक्शन है, और जहां तक तुम्हारा कुन्ना और कोरमे की बातें, अपना तो रेस्टोरेंट भेज देना भाई। वाह अब्बा, कैसे अकेले करते हैं इतने अकलमंदाना काम? क्योंकि मैं बीएस केमिस्ट्री नहीं कर रहा इसलिए। हाँ आपने तो अपनी एमएससी की डिग्री का नाम ही बर्बाद कर दिया। देख लूंगा बेटा जब तुम अपने बलबूते पर टॉप करोगे, फिलहाल तो कुतुब जो है ना अपनी बेटी का हक मार मार के तुम्हें जिताए जा रहे हैं। हाँ हर वक्त बाप के नाम पे कुछ ना कुछ कह देना, कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। एक तो सही काम करो, ऊपर से कोई सुनता ही नहीं है मेरी बात। भाई आप समझाए ना उन्हें। क्या कौन समझाए यार, जाके बाहर देखो, बाबा ने जो रायता फैलाया उसको तो हैंडल करूं मैं। मैंने तो ब्यूटी पार्लर में अपनी बुकिंग भी करा दी थी। सो सैड। माँ वो तो अपने हर रोज के लिए करवा रखी थी, तो क्यों ना कराऊं? सीईओ हूँ तमन्ना मैरिज सेंटर की, किसी फारिग आदमी की बीवी नहीं हूँ। हाँ नहीं तो मेरी तैयारियां, मेरा फैशन। ये घंटी तुम्हारे खेलने के लिए नहीं बनी। घंटियां तो मैं बजाऊंगी तुम्हारे दिमाग की। लो बजा लो। हाथ दिखाओ अपना। मुझे कोई शौक नहीं है वो पॉम रीडिंग का। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे हाथों की टेढ़ी मेरी लकीरें पढ़ने का। ठीक है ये पकड़ो अपने दुमछले का फोन। ये तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? ब्रेक डांस। अंदाजा है रात से उम्र कितना परेशान है। शुक्र करो सही सलामत पहुंचाया है यहाँ पे, वरना जितनी बकवासियत इसके अंदर थी ना, मुझे उसको समंदर पे फेंक के आना चाहिए था। अच्छा तो जासूसी के लिए पकड़ लिया था इसे। तुम जाकर महा की ज्वेलरी लाकर दो, मुझसे बात नहीं करो ज्यादा। तो क्या हाथ टूटे हुए खुद जाके लो? हाथ तो मैं तुम दोनों के तोड़ूंगी अगर दोबारा मेरे बारे में ऐसा कोई मैसेज टाइप किया तो। मैंने कौन सा मैसेज टाइप किया? कौन सा टेक्निकल फॉल्ट है मेरे अंदर जो किसी को मोहब्बत नहीं हो सकती मुझसे? क्या हुआ पूरी की पूरी हिली हुई हो तुम? अब तुम जमे रहना अपने पैरों। मुश्किल बड़ी ये दिल बरी, दर पे आया बन के मैं सवाली। मुश्किल बड़ी ये दिल बरी, दर पे आया बन के मैं सवाली।